अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप खैरियत से होंगे। मैं आज बना रही हूँ भरेमा कचौड़ी। तो ये हमने आलू का भुट्टा लिया है, तो ये देखिए हमने इसमें हरा धनिया, लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग और नमक मिला के इसका पेस्ट बना लिया है आलूओं का। और ये देखिए हमारा आटा गूंद लिया है हमने पतला, थोड़ा सॉफ्ट सा, देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा आटा। और ये देखिए हमारा कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमने ये आटा ले लिया है, ये देखिए थोड़ा सा लेंगे आटा तो इसमें हमारा भुर्ता आराम से भर जाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे तेल लगा लिया है स्लिप पे अपने, और देखिए इसको हम ऐसे करके हाथों की मदद से इसको लोई को ऐसे चौड़ाएंगे। और देखिए इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना भुर्ता भर सकते हैं इसमें, ये देखिए। फिर इसको हम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मोड़ते आएंगे, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी हमारी लोई हो गई है। तो ये देखिए हम धीरे धीरे अपने हाथों से ऐसे करके इसको दबा दबा के आगे लोई को बढ़ाएंगे, इससे हमारी कचौड़ी में जो भरता है वो पूरी हमारी कचौड़ी में आ जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे, देखिए दोस्तों कहीं से हमारी कचौड़ी फटी नहीं है, देखिए हमें कहीं से भी भुर्ता नहीं दिखा है। इसको हाथ से आराम आराम से ऐसे दबा दबा के इसको चौड़ा करिए, देखिए हमारी कचौड़ी बनके रेडी हो गई है। तो हम बना बना के इस प्लेट में ऐसे करके रख लेंगे। अब हम ये देखिए हमारा कढ़ाई में तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम इसको आराम से कचौड़ियों को डाल देंगे। देखो दोस्तों मैंने अपनी कचौड़ी बना के रेडी कर चुके हैं, और देखिए इसमें एक है वो देखिए कितनी अच्छी करकरा रही सिक चुकी है हमारी, देखिए बड़ी टेस्टी लग रही है और एकदम बढ़िया तरह से सिक चुकी है। तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी कचौड़ियों को दोबारा सेकने के लिए रेडी करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारी कचौड़ी बनके रेडी हो गई है। मेरे बेटे ने फरमाइश की थी कि मम्मा आज ना कचौड़ी बनाइए नाश्ते में, तो मैंने अपने बेटे के लिए चाय बनाई है। और ये देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी और बढ़िया कुरकुरारी कचौड़ी हमारी बनकर रेडी, कचौड़ी बनकर रेडी हो गई है। और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। अगर मेरी कचौड़ियाँ बनाना और अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।